गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जो ना हम 11th में पढ़ी है और 12th में हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। इस ब्रांच का स्कोप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहाँ अभी फिजिक्स में बहुत सारी डिमांड्स हैं, दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का अगर हम अल्फ़ाबेट कहें तो हमें यहाँ से इसकी एंट्री मिलती है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो हमारे सिलेबस में है चैप्टर नंबर 11, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब कि किसी पदार्थ की और किसी रेडिएशन की ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर से मतलब यहाँ है एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ये बताना चाहते हैं कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं और जितने भी मैटर होते हैं वो दोनों नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। स्टार्टिंग होती है हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया था इन 1887। तो उन्होंने प्रूव किया था कि दैट इज वेव नेचर। और उसी के लगभग लगभग 1897 में भी एक नई इन्वेंशन हुई थी, जे जे थॉम्सन ने की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि पार्टिकल्स को खोज निकाला था। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और क्या क्या हमारे लिए करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल से, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स से। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन से बहुत फैमिलियर हैं। अगर हम बात कहें तो इलेक्ट्रॉन्स आर द सोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल्स। इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। बट क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है? नहीं, नो वन हैव सीन इलेक्ट्रॉन। किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। तो क्या वो होते हैं या नहीं होते हैं? इनका एग्जिस्टेंस का पता लगाया है या नहीं? तो यस, इन 1897 सर जे जे थॉम्सन आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब। आपको पता होगा डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ था, आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पता लगाया। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लिए, एक को इन्होंने बैटरी के नेगेटिव और दूसरे को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। उस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने वैक्यूम लिया और उसे हाई पोटेंशियल दिया। जैसे ही हाई पोटेंशियल दिया, कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर कुछ स्पार्किंग हो रही है। ये स्पार्किंग किस चीज़ की थी? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से या कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे जो कि पॉजिटिव साइड जा रहे थे। इट मीन्स दैट प्रूव्स देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सम पार्टिकल्स एंड ही गिव्स द नेम दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जे जे थॉम्सन डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज और ई टू एम, मतलब कि उन्होंने ई अपॉन एम जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज ही बोलते हैं उसको डिटरमाइन किया, उसकी कैलकुलेशन की। फिर उसके बाद मिलिकेन ने, आर ए मिलिकेन ने फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने सबसे पहले अपने ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है उसकी डिस्कवरी की और उसकी कैलकुलेशन की। दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब थॉम्सन ने ई अपॉन एम की वैल्यू दे दी और मिलिकेन ने Q की वैल्यू दे दी, मतलब E की वैल्यू दे दी। तो अब जब आपको E अपॉन M की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पता चल गई, तो इन दिस वे वी कैन से दैट वी आल्सो फाउंड द वैल्यू ऑफ M। तो इसके थ्रू जब हमें दोनों वैल्यू पता चल गई तो M इज आल्सो कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू ऑफ M इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। माय डियर, इट इज आल्सो मास ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट इक्विवेलेंट टू बीटा माइनस। ठीक है, इसके बाद कई अलग अलग मेटल्स पर ई एम और ई अपॉन एम की एनालिसिस हुई। तो ये पाया गया कि
स्पेसिफिक चार्ज मतलब कि ई टू एम रेशियो फॉर ऑल मेटल्स आर ऑलवेज सेम। भले ही किसी मेटल से कम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या किसी का मास कितना है, बट हर मेटल के लिए स्पेसिफिक चार्ज दैट इज ई टू एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है 2.8 × 10⁻¹⁵ मीटर, दैट इज फर्मी मीटर। अब बात आती है पार्टिकल्स के सब डिविजन की। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं इन सब को कुछ फैमिली में डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेप्टॉन्स फैमिली के अंदर आते हैं एंड इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेप्टॉन फैमिली। दूसरा पार्टिकल होता है फोटोन। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्वांटा होते हैं। हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटा या पैकेट में पाई जाती है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज क्वांटा। एंड क्वांटा एक पैकेट होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू। आपको यहाँ याद रखना है कि फोटॉन्स का रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है। माइंड द वर्ड, दैट इज रेस्ट मास, नॉट मास। जब फोटॉन रेस्ट में होता है ऑन दैट केस द मास इज जीरो, अदरवाइज इट इज हैविंग सम डिफरेंट मास। ओके, एंड फोटॉन बिलोंग्स टू बोसोन फैमिली। बोसोन फैमिली को जो इन्वेंटर थे या जो फादर थे, दैट वॉज जेसी बोस, दैट वॉज अ इंडियन साइंटिस्ट। इट इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर ऑल इंडियंस दैट बोसोन फैमिली इज इन्वेंटेड ऑन द नेम ऑफ जेसी बोस। जेसी बोस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। हमारे जो हर्ट्ज थे, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके पहले ही या सॉरी उसके बाद ही बोस ने भी एक इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज के, एंड उसके बाद मार्कोनी ने भी उसके इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट किया था, बट मार्कोनी को उसका क्रेडिट मिल गया था। ओके, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे इसी में, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड वर्क फंक्शन। किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब कि जब किसी सब्सटेंस से या मेटल से कुछ एनर्जी दी जाती है तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल होती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। हम जानते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में। अब आउटर मोस्ट सेल उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से दूरी पर होती है, मतलब कि उससे जो उनके बीच अट्रैक्शन या न्यूक्लियर बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है आउटर सेल के लिए। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यही एक्सटर्नल एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब कि व्हेन एनी सब्सटेंस इज गिवन एक्सटर्नल एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन्स आर आउट ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल देन मेटल्स फ्रॉम मेटल्स देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब आखिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो जितना एनर्जी उसको देना पड़ता है उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जहां एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। जो वर्क फंक्शन होता है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ सरफेस। मतलब कि अलग अलग मेटल के लिए और अलग अलग सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है या मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर सीजियम का सबसे कम 2.14, पोटेशियम के लिए 2.30, सोडियम 2.75, कैल्शियम 3.2, मोबिडियम 4.17, लेड 4.25, एल्यूमिनियम 4.28,
मरकरी 4.49, कॉपर 4.65, सिल्वर 4.7, निकिल 5.15 एंड प्लेटिनम 5.65. दीज ऑल आर इन इलेक्ट्रॉन फोर्स. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है किस मेथड से कराते हैं ये देखते हैं. पहला थर्मोआयनिक एमिशन. अब अगर किसी मेटल को हम गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, हीट करके उसे हम क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल आता है. इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन. इन दिस मैटर मेथड मेटल्स इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट और नॉर्मली हीटिंग. सो सफिशियंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू एनेबल दैम टू कम आउट ऑफ द मेटल. अब थर्मोआयनिक एमिशन किस में होता है, ऐसे मेटल्स में होता है जिनका वर्क फंक्शन क्या हो, कम, मतलब इनको थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए. और साथ ही साथ ऐसे भी होने चाहिए कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा, ऐसा ना हो कि थोड़ा गर्म करें और मेटल ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए. ठीक है. सेकेंड है फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं, उस मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बाय अप्लाइंग वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ये होनी चाहिए इन ऑर्डर ऑफ 10^8 वोल्ट पर मीटर. अब जब हम ये मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पुल्ड आउट हो जाते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी ओर. इलेक्ट्रॉन खींच गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन. नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. हमारा जो चैप्टर है वो पूरे इस पॉइंट के अराउंड घूमेगा. ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो मतलब कि इंसिडेंट लाइट, इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का निकलना. व्हेन लाइट ऑफ सब्सूटेबल फ्रिक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, किसी मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ. जब वो लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उससे वो एनर्जी उस मेटल के आउटर मोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं आगे. नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन कब होता है, जब पार्टिकल्स ऑफ हाई वेलोसिटी, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं और टकरा जाते हैं किसी सरफेस पर या किसी मेटल पर, तो टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो, अगर कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है तो क्या करती है, वो अपनी एनर्जी मेटल को दे देती है और मेटल के पास जो एनर्जी आती है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड को तोड़ देती है और वो इलेक्ट्रॉन टूट जाता है और बाहर निकल जाता है. तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से ऑलरेडी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन. व्हेन पार्टिकल्स ऑफ हाई वेलोसिटी स्ट्राइक्स व्हेन विद मेटल्स, सो दीज पार्टिकल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस बाय ट्रांसफरिंग देयर काइनेटिक एनर्जी. एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स.